नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट से इनसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि आपको कौन सा रेजिस्टेंस कितने वाट का यूज़ करना है और उसकी जो वैल्यू होती है जो हम ओम में मेज़र करते हैं, जो हम उसकी वैल्यू जो ओम में होती है तो वो उसका रेजिस्टेंस जो ओम में होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं भी क्या यही फार्मूला या यही तरीके से मैं भी इनकी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ या कैलकुलेट करता हूँ जो उसके रेजिस्टेंस के जो वाट होते हैं उस प्रकार से। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखाए थे, वो अलग अलग वाट के हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, ऐसा क्यों हो, इसकी कुछ ट्रिक है वो आप सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले जो सिस्टमेटिक तरीका है मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि कैसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है, एकदम जो प्रोफेशनल जो तरीका होता है उसमें कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है और ये कितने वाट का हमको यूज़ करना है वो वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा पूरा। तो ये जो जितना भी ये सब सिस्टम होता है ये सब ओम्स लॉ के अंतर्गत आता है, तो इनका एक नियम बने हुए, सबके फार्मूले बने हुए हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से ऐसा कुछ नहीं बना सकते, यदि आपको एकदम सटीक निकालना हो तो इनके फार्मूले रहते हैं, आपको उस हिसाब से बना इनके वैल्यू निकालना पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जो है बैटरी हमारे पास है 4 वोल्ट की और वो है 2 एम्पियर की। अब इसमें एक चीज़ बात आपको एक और चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ कि इसमें जो है मैंने बैटरी ली है 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की जो बैटरी है और वो 2 एम्पियर की है। तो ज़रूरी नहीं कि ये 2 एम्पियर होना चाहिए, आप हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा एम्पियर हो। तो इसमें जो बैटरी का जो एम्पियर है वो इतना ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, आपको ध्यान में क्या रखना है क्योंकि हम इसमें जो कनेक्ट करने वाले हैं, तो एक एग्जांपल है ये। तो इसमें मैं एलईडी कनेक्ट करने वाला हूँ और जो एलईडी है 3.5 वोल्ट की और ये एम्पियर लेती है 0.025 एम्पियर, इसको हम मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं, 25 मिली एम्पियर इसका लोड है इस एलईडी का। तो ये जो एलईडी है ये 5 mm की जो एलईडी आती है ना, अधिकतर वो यही रहती है जो 3.5 वोल्ट उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वोल्ट की और जो उसका एम्पियर रहता है 25 मिली एम्पियर। लेकिन 25 मिली एम्पियर को हमको एम्पियर में बनाना पड़ेगा, तो जब हम इसको एम्पियर में बनाएंगे तो 0.025 एम्पियर बनता है। अब हमको इसमें इसकी इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है कि हमको कितना रेजिस्टेंस लगेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुछ इस प्रकार से फार्मूले होते हैं, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें वी आई और आर लिखा हुआ है। तो ये इससे ये ट्रायंगल से 3 फार्मूले बनते हैं, ये सब ओम्स लॉ में आता है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो जो आप इसमें फार्मूला देख रहे हो, वी का मतलब होता है वोल्ट और आई का मतलब होता है जो करंट होता है और जो आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो आपको इसमें से कौन सी चीज़ को पता लगाना हो और आप इसमें इन 3 फार्मूले से पता लगा सकते हो। जैसे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आप देख सकते हो, वी को डिवाइड करना है करंट से, मतलब वी को डिवाइड करना है एम्पियर से, इस प्रकार से आप इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो पता कर सकते हो। तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है तो हम फार्मूले में जो हमारे पास जो डेटा है वो पुट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जो बैटरी है वो 4 वोल्ट की और जो एलईडी है 3.5 वोल्ट की। तो जो फार्मूला में जो वोल्ट हमको लिखना है तो इसमें से जो डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, जैसे बैटरी अब हमारी 4 वोल्ट की और हमको एलईडी है 3.5 वोल्ट की, तो जो बीच का डिफरेंस है वो 0.5 निकल के आ रहा है, तो ये हमारा वोल्ट हो गया। और जो एम्पियर है, जो एलईडी जो एम्पियर लेगी तो वो हमको एम्पियर लिखना है। अब आपको ये सब चीज़ें मालूम कहाँ से पड़ेगी कि जो आपके पास जो एलईडी वो कितने वोल्ट की और कितने एम्पियर की, तो ये चीज़ें आपको उसके मैन्युफैक्चरर से मालूम पड़ेगी कि जिसने एलईडी बनाई है, या आपको वहीं से पता लगेगा क्योंकि आपने तो बनाई नहीं है इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं लगेगा। या आपके पास ऐसे कोई ऐसे डिवाइसेस है तो आप उससे इसको चेक कर सकते हो, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि इसमें कितना क्या सिस्टम है। तो जैसे 5 mm की जो एलईडी होती है उसमें मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि ये जो 25 मिली एम्पियर मैंने इसका एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ। अधिकतर 5 mm की एलईडी में आपको अलग अलग एम्पियर मिलेंगे, अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग एम्पियर मिलेंगे, लेकिन मैं तो एक एग्जांपल आपको सामने रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से कुछ हमारा फार्मूला और उसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें 20 ओम का हमारे पास अमाउंट आता है, वैल्यू आती है, तो हमको इसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन हमको अभी ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि इसमें कितने वॉट का हमको रेजिस्टेंस लेना है। तो इसका जो वॉट कैलकुलेट करने के लिए उसके और फार्मूले अलग से है, तो ये भी ओम्स लॉ में आता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमको इसमें पावर पता करना है, पावर जो पी लिखा है वो वाट है, तो इसकी हमको पावर पता करना, तो हम इसमें से कोई सा भी एक फार्मूला ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सुविधाजनक लगे। तो मैं उस फार्मूले में ये जो अमाउंट है वो पुट कर देता हूँ। तो जो हमारा वी था वो 0.05 था, इसमें भी आपको डिफरेंस लिखना है, और जो एम्पियर है वो एम्पियर था 0.025 एम्पियर था, जो मिली एम्पियर में इसको हम बोल सकते हैं 25 मिली एम्पियर, लेकिन यहाँ पे आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्पियर से कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो एम्पियर में आ जाएगा, 1000 से आपको हाँ डिवाइड करना पड़ेगा तो इसमें एम्पियर में आ जाएगा। और उसके बाद में जो आप वैल्यू देख रहे हो
125 ये वॉट में आ गई है। अब जो इतने वॉट का इसमें पावर कंज्यूम होगा, पावर जाएगा, तो आपको जो रजिस्टर जो आपको यूज़ करना है वो उससे ज़्यादा का यूज़ करना है। तो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं जो रजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, अधिकतर रजिस्टेंस जो रजिस्टर होते हैं, जो अधिकतर रजिस्टेंस होते हैं वो 1/4 वॉट के होते हैं, मतलब कि 0.25 वॉट के होते हैं। तो वो रजिस्टेंस आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एक और मैंने एग्जांपल लिया जिसमें मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ली है और जो एलईडी है वो 5 वोल्ट की है और जो उसका एम्पियर है वो आधा एम्पियर का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो वही तरीके से मैंने इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इसमें 14 ओम का रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें आपको वापस से इसका वॉट चेक करने के लिए वापस आपको एक फार्मूला आपके हिसाब से रख लीजिए जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। और इसके बाद में आप देख सकते हो कि इसमें आपको जो रेजिस्टेंस है वो 3.5 वॉट से ज़्यादा का यूज़ करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा का ही यूज़ करना है। यदि आप रेजिस्टेंस कम पावर का यूज़ करते हो तो रेजिस्टेंस गर्म होगा और भी ज़्यादा उसमें लोड आने पर रेजिस्टेंस जल भी सकता है। तो आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। आपको यदि फार्मूला पुट नहीं करना है तो सिंपल तरीका है, आप तो रेजिस्टेंस लगा दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन या तो क्या होगा जल जाएगा या तो गर्म होगा, तो उस हिसाब से आप इसकी पावर बढ़ा सकते हो। लेकिन आप जो ज़्यादा पावर के रजिस्टर जो लेते हो मार्केट में मिलना बहुत सौ के लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि मैं चाह रहता हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। जो मैंने जितने भी रजिस्टर जितने भी आपको मैं दिखाता हूँ वो सब मैंने ऑनलाइन खरीदे और इसकी मैंने ज़्यादा कीमत दी है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है कि थोड़ी सी कीमत ज़्यादा रहती है, क्योंकि शिपिंग चार्जेस वगैरह उसमें इंक्लूड रहते हैं। और कुछ चीज़ तो ऐसी रहती है जो ऑनलाइन हमको मिलती ही नहीं है, जैसे कि जो हाई पावर के रजिस्टर होते हैं वो ना तो मुझे ऑनलाइन मिलते हैं ना तो मुझे वो ऑफलाइन मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सिस्टम रहता है। लेकिन आप 1/4 वाट का जो रजिस्टर होता है उसको भी आप बढ़ा सकते हो, उसके भी पावर बढ़ा सकते हो। उसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, उससे उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन उसके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ भी देखना है। इसमें एक चीज़ और आपको बताना था कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं भी लगभग ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। एक जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 mm की LED है, जैसे कि आपको बता रहा हूँ, जैसे 5 mm की LED है जिसके लिए हमको जैसे 12 वोल्ट से चलाना हो तो मैं 330 ओम का रजिस्टर लगा लेता हूँ, जबकि कायदे से उसमें 360 से ज़्यादा का लगाना चाहिए। लेकिन आप उसमें 1K का भी रजिस्टर लगा सकते हो, वो भी 5 mm की LED में बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप ऐसे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन हमारे पास रजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करें। उसके आसपास की वैल्यू का आप रजिस्टर लगा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया चीज़ चलती है। लेकिन जहाँ हम बारीकी वाला काम करते हैं, जैसे कि कोई सा ट्राइक का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ट्राइक को इतना उसमें उसकी एक लिमिट रहती है, थ्रेशोल्ड वाली लिमिट रहती है, उसको हमको लिमिट का पूरा फ़ायदा उठाना है। इस कारण से हमको वहाँ पर रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल बराबर हमको चेक करना पड़ती है, उस हिसाब से हमको रजिस्टर लगाना पड़ता है। इसमें जो भी आपके कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरा। और आपको हो सके तो उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना है ये भी किसी कमेंट पर ही मैंने बनाया है। दोस्तों बस ये वीडियो पूरा होता है, तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि किसी को ये सब चीज़ें जानना हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।